أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم देने के बाद ये इज्जत आपको नसीब हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन हम आपस में लड़ते रह गए। अल्लाह ने जितनी बड़ी दौलत से नवाजा उतना ही ज्यादा हमने लड़ना शुरू किया। लड़ गए से तो नहीं, हम आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते एक जमात से दो जमात, दो जमात से आठ जमात, फिर जीरो पर आते जाओ, जीरो पर आते जाओ और जमाते बढ़ाते जाओ और कहो हम असली और नकली। अब पता नहीं असली और नकली अहले हदीस तो जिंदगी पहली बार तो सुनने में आ रहा कि असली अहले हदीस और नकली अहले हदीस कौन होता है। अरे सोचो कितनी कुर्बानियां दी हैं, मिल के कुर्बानी दो, कुर्सी के पीछे नहीं दौड़ो। इमारत और सदारत के चक्कर में सारी कुर्बानियां भूल गए। वकीलों को बैरिस्टरों को खिलाओ अपना माल और मस्जिद के लिए 10 रुपया महीने का चंदा वसूलो। सोचो कौन सी कुर्बानी दे रहे हो लेडीज़ो, इमाम मालिक वाली कुर्बानी दो। इसको कहा जाता है अहले हदीस। फिकह की मुखालफत का अंजाम क्या होता है, हमारी हुकूमत है। अल्लाह अकबर, जब हमने हो संभाला तो संभाला तुझको, जब तुमने हो तो संभाला तो संभल ले नदियां। सब कुछ हमने सिखाया तुमको और जिसको कहते हैं सीख लिए तो हमारी बिल्ली हमी को क्या कहती है, हमी को डराती है कम वक्त को। इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं था, हमने इस्तिंजा का तरीका सिखलाया, समझ गए ना। खाने का तरीका नहीं था, हमने सिखाया जब सीखे तो हमी को डराते हो। अल्लाह अकबर, बिकाऊ। अब उसने कुछ मुसलमानों को खरीदा और सोचा मुसलमानों को आपस में भिड़ा दो, आपस में लड़ा दो। अल्लाह अकबर, अंग्रेज तो हमको मिटाना चाह तो क्या कोशिश की, हम आपस में क्या करें, जोर से बोलो, लड़ा दो ताकि इनकी सारी कुवत मुसलमानों की आपस में रहे, हम राज करें। और आज हम क्या कहते हैं, लड़ ही करके जमात का काम आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं समझे, आज हम इख्तलाफ से काम आगे बढ़ाना चाहते हैं और नहीं समझते अल फुरफुर कान खोल करके सुनो, अल जल फुरफुर। तुमने कोई गुनाह किया है, इत्तेफाक और इत्तेहाद ये अल्लाह की रहमत है, वल फुरकतु अज़ाब, और आपस में लड़ना ये अल्लाह का। औ यल्बिसकुम शिया, हो सकता है अल्लाह आसमान से पत्थर ना बरसाए, जमीन में जलजला ना आए और तुम गुनाह करो तो तुमको आपस ही में लड़ा दे। ये लड़ाई सवाल की थी, रोटी कमजोरी की। कमजोर हो जाएगी और